What's up guys, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर 2020-23। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी को याद था अपने पास 5 सुप्रा थी जो कि हम लोगों ने सेल आउट कर लिया है। एंड अभी अपने पास कोई भी कार नहीं है, दो कार है बट वो इतनी कॉस्टली नहीं है। तो अभी मैं अपने कंटेनर में था, सो रहा था एंड मैंने देखा यहाँ पे जो है ना कार मार्केट ओपन हो चुका है। तो अभी हम लोग चलते हैं कार मार्केट में, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी कॉस्टली कार्स है। ओके, यहाँ पे अपने को एक पोर्शे दिखी और यहाँ पे और तो मुझे लग नहीं रही है। यहाँ पे एक ये कौन सी कार है भाई, इससे बात करते हैं। ओके, यहाँ पे एक ऑडी RR। और हाँ, काफी ज्यादा भाई लोग मेरे से ये बोल रहे थे कि भाई हमारा भी नाम नंबर प्लेट में लिखो, तो वो आज हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे गाड़ी वगैरह देखते हैं कौन सी अपने को बाय करनी है। वैसे यहाँ पे तो मुझे ज्यादा कोई गाड़ी नहीं दिख रही, बट ये कौन सी गाड़ी है सबसे पहले तो देखते हैं। निसान मर्सिडीज लगता है इसमें इतना प्रॉफिट है नहीं अपना, तो अपन लोग सबसे पहले तो यहाँ पे पोर्शे को बाई करते हैं। लेट्स गो, देखते हैं प्राइस कितनी है। सबसे पहले तो मैं एक्सपर्टीज लेऊंगा, बट ठीक ठाक प्राइस मिल रही है, एक बार ही चेकआउट तो करना बनता है। वैसे थोड़ा सा डाउट लग रहा है मेरे को क्योंकि यहाँ पे डैमेज भी नहीं है, पेंट भी नहीं है, तो नुकसान हो सकता है अपने को एक्सपर्टीज लेने में। सबसे पहले तो हम लोग जो है ना डायरेक्ट बार्गेनिंग करते हैं, $160,000 आई थिंक इतने में मिल जाना चाहिए अपने को। लेट्स गो, नहीं मानेगा। ओके, तो ये बोल रहे हैं थोड़ा सा मैं ऑफर ज्यादा सोच रही थी, चलो $170,000 करते हैं फिर, अपने पास बहुत पैसा है आज तो। ओके गाइज, यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने अपनी पहली पोर्शे को बाय कर लिया। यहाँ पे ऑडी RR भी थी, इसको भी आज मैं बाय करेगा, बट ऑडी RR काफी ज्यादा कॉस्टली कार है, $442,000। तो भाई इसके लिए एक्सपर्टीज लेना तो बनता ही है क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो चलो लेते हैं और डालते हैं 58F। बस यार थोड़ी सी डैमेज निकल जाए ना तो मजा ही आ जाएगा। 58F ठीक है, चेक करें, लेट्स गो। तो अभी यहाँ पे एक्सपर्ट चेक कर रहा है, देखते हैं रिपोर्ट पूरी ओके है। अरे भाई, तो यहाँ पे गाइज अपना बहुत तगड़ा नुकसान हो चुका है एंड हम लोगों ने एक्सपर्टीज लिया और कुछ भी गड़बड़ नहीं निकला, तो अपने को यार पूरा पैसा देना पड़ेगा। ऑलरेडी यार अपना नुकसान हो चुका है, तो मैं $420,000 बोलता हूँ। आई थिंक इतने में मिल जानी चाहिए अपने को ये कार, क्या लगता है मिलेगा? ओके ठीक है, तो आज गाइज यहाँ पे हम लोगों ने अपने के लिए दो कार बाइक कर लिए, पोर्शे और ऑडी RR। यहाँ पे एक सुप्रा है तो इसको भी बाय करते हुए चलते हैं। और हाँ आज मेरा बट यार ये बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो इसको सीधा बार्गेनिंग करके ना 55,000 का बाय करने का ट्राई करूँगा मैं। आई होप इतने में मिल जानी चाहिए। ठीक है, मिल गई, एक्सेप्ट नहीं कर रही है ये। $60,000 $58,000 देता हूँ मैं, इतने में तो आई थिंक एक्सेप्ट हो ही जाएगा। ठीक है यार, ये तैयार नहीं है। फाइनल एंड लास्ट ऑफर $60,000, इससे ज़्यादा मैं नहीं जाने का। तो भाई ये देने को तैयार नहीं है और मैं भी बाय करने को तैयार नहीं हूँ। तो चलो यार अभी हम लोग सबसे पहले तो अपनी जो पोर्शे है उसको डालते हैं हम रिपेयर्स में, है ना यार। ऑलरेडी वहाँ पे तो बुकड है तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब चेक करें कहीं मेरी कार्स वगैरह तो नहीं है वहाँ पे, बट यहाँ मेरे को थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, आई थिंक होनी चाहिए थी। मैं सोच रहा हूँ यार आज जो है ना अपना कार शोरूम को थोड़ा सा हम लोग अपग्रेड करेंगे, क्योंकि मुझे जो है ना कभी कभार मेंटेनेंस में गाड़ी रहती है तो मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं कर पाऊँगा मेंटेनेंस में। तो मैं सोच रहा हूँ हम लोग आज अपने के लिए टो ट्रक बाइक कर लेते हैं, यहाँ पे ये अपनी ऑडी RR। वैसे इसके टॉप स्पीड चेकआउट करना है तो हम लोग रेस करने के लिए भी चलेंगे। वैसे इसमें ड्रिफ्टिंग किट है तो अपने को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है यार, इसमें आराम से निकलते हैं। आई थिंक मेरी वहाँ पे ऑलरेडी गाड़ियाँ हैं पहले की, चेक करके आना पड़ेगा। नहीं, आई थिंक उस टाइम जो है ना यहाँ पे गाड़ियाँ थी रिपेयर में। सबसे पहले तो मैं ऑडी RR को करता हूँ रिपेयर अपनी। चलो भाई अंकल इसको रिपेयर कर दो। इसका जो है ना ब्लैक बैक लेफ्ट फेंडर टूटा हुआ था, बैक बम्पर एंड ट्रंक, इसकी डिग्गी भी टूटी हुई थी। तो अभी गाइस अपने पास यहाँ पे एक गाड़ी है जो कि अपने रिपेयर सेंटर के बगल में, ये भी मैं बाय करके लेके आया था। देखते हैं ये डैमेज है, थोड़ी सी डैमेज है, डर्टी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको ऐसे करते हैं ना हम लोग डायरेक्टली सेल आउट कर देंगे। चलो, और साथ में अभी जो है ना मैं अपना शोरूम को भी अपग्रेड करने वाला हूँ।
वैसे अपने सब्सक्राइबर का नाम जो है ना मैं सुपर कार्स में लिखाऊंगा, नॉर्मल कार्स में नहीं। तो चलो यार अभी अब हम लोग चलते हैं अंदर। सबसे पहले जो है ना मैं अपनी शॉप को अपग्रेड करता हूँ। मुझे लगता है मुझे जो है ना अपना ऑफिस 2 करें अभी। वैसे मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, 10 लाख डॉलर्स बचेंगे अगर मैं लेवल 2 में अपग्रेड करूँगा। तो ऐसे करते हैं ना, लेवल 2 में अपग्रेड करते हैं हम लोग। ओके सो यहाँ पे हम लोगों ने लेवल 2 में तो अपग्रेड कर दिया है भाई। अब लॉन्च जो है ना अपना काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है भाई। अब आएगा ना मज़ा। मतलब मेरा प्लान ये है, आज मैं जाऊँगा विलेज में, सारी गाड़ी बाय कर लूँगा। ऐसे करते हैं ना थोड़ा सा अपग्रेड और करते हैं, टो ट्रक्स भी बाय कर लें, तीनों बाय करते हैं ना। चलो टो ट्रक्स, एक स्लॉट बाय कर लिया, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट। तो अभी मैंने टो ट्रक के तीनों स्लॉट्स बाय कर लिए हैं और अब तो यार अपने को बिल्कुल भी टेंशन होने वाली नहीं है। दो गाड़ी हम लोग अपने रिपेयर में डाल देंगे, तीन गाड़ी जो है ना हम लोग टो करके यहाँ पे लेके आ जाएंगे। चलो मैं सबसे पहले तो चलता हूँ, मेरा आई थिंक ऑडी RR जो है ना वो रिपेयर हो गया होगा। ओके लेट्स गो। चलो रिपेयर तो हो गया। इस पे हम लोग लिखाएंगे अपने वाजिद भाई का नाम। कल को उनका कमेंट आया था कि भाई मेरा भी नाम लिखना गाड़ी में, ठीक है तुम्हारे लिए भाई ऑडी RR में हम लोग नाम लिख रहे हैं। चलो इंजन बंद। सबसे पहले तो जो है ना हम लोग कार को अपग्रेड करते हैं। इसमें रेसिंग ड्रिफ्टिंग किट नहीं थी, बट ये ड्रिफ्ट क्यों कर रहा था इतना मुझे नहीं पता। चलो सबसे पहले तो नंबर प्लेट, कैलिफोर्निया वाली नंबर प्लेट में लिखेंगे हम लोग अपने वाजिद भाई का नाम। एक मिनट मैं कमेंट्स देख रहा हूँ। हाँ तो ओके गाइज, यहाँ पे कल हमें कमेंट आए थे 3 भाई लोगों के जिनका हमें नाम लिखना था। सबसे पहले कार में जो है ना हम लोग लिखते वाजिद भाई का नाम, एंड उसके बाद हम लोग निशांत भाई के लिखेंगे। एक भाई और है बट मेरे को कमेंट देखने पड़ेंगे पहले। चलो तो ओके यार, यहाँ पे हम लोगों ने कार जो है ना अपने वाजिद भाई के नाम कर दी है। और इसमें कुछ अपग्रेड तो करना नहीं है मैंने, बाकी जितना भी अपग्रेड था कर लिया है। और इसमें हम लोग कलर करने वाले येलो कलर ऑडी RR में। चलो इसमें कलर करते हैं येलो कलर। येलो कलर बढ़िया लग रहा है क्योंकि स्पोर्ट कार में येलो कलर काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। ओके गाइज, यहाँ पे फाइनली अपनी ऑडी RR जो है ना अपग्रेड हो चुकी है और अभी इसको हम लोग लेके चलते हैं सीधा अपने कार शोरूम पे। और मेरा प्लान है अभी मैं निकल रहा हूँ सीधा विलेज, आई मीन नेबर, वहां से हम लोग सारी की सारी जितनी भी कार्स है ना वो बाय करके लेके आएंगे। बट आज तो मैं सेल नहीं करूंगा क्योंकि गाइज अपने पास एरिया काफी ज्यादा है और अपने को बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अरे एक दो कस्टमर्स आए यहाँ पे अपनी BMW के लिए, $3 लाख मैंने लगभग $1 लाख का खरीदा था, लगभग 1.5 लाख भी मिल जाए बेच दूंगा। चलो बार्गेनिंग करके ना 1.40 का बोलता हूँ, बिक जाना चाहिए इतने में। भाई नहीं दे रहा, निकल गेट आउट फ्रॉम एयर। अरे गलती से मैंने सेल कर दी, नुकसान हो गया यार मेरे को, मैंने उतने में ही सेल कर दिया उसको। चलो अभी हम लोग निकलते हैं नेबर्स में। नेबर्स में जितनी भी गाड़ियां होंगी ना हम लोग बाय कर लेंगे। यार अपने पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ये ट्रक्स बाय करें। चलो आज हम लोग डिलीवरी ट्रक्स भी बाय करने वाले हैं, $4,000। भाई तेरे को तो मैं बार्गेनिंग करके ना $3,000 देगा। ले बोल रहा भाई मेरे को परेशान मत कर, तेरा ऑफर बहुत ज़्यादा कम है, मैं ना खरीदने का। चल $3,500 भाई, देने को तैयार नहीं है ये, मैं भी खरीदने को तैयार नहीं है। चल फुट यहाँ पे से। चलो यार यहाँ पे एक गाड़ी जरूर है, ये गाड़ी मैं पहली बार देख रहा हूँ, आई थिंक BMW है। BMW है। $26,000 बार्गेनिंग करके ना, $23,000 बोलता, $3,000 सस्ता मिल जाना चाहिए आई थिंक, सोच रही है वो ना, नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है कोई टेंशन नहीं, 24,000 में तो बिकेगी ना। तो ओके गाइज, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी पहली BMW बाय किया यहाँ पे, इसको मैं डालता हूँ इधर। अब अपने को कोई टेंशन नहीं है, हम लोग आराम से विलेज में घूम के ना, आई मीन नेबर्स में घूम के अपने के लिए कार वगैरह बाय कर सकते हैं। यार विंटेज कार से ना वो दिक्कत होती है। वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ यार, अगर हमें पूरी विलेज की कार्स बाय करनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, नहीं तो यार मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी की पूरी विलेज की कार्स बाय करूँगा। एंड यहाँ पे देखो अपने को क्या मिली है, नहीं गया सुप्रा। अरे भाई सुप्रा है, सस्ती हो गया आई थिंक $58,000, नॉट बैड। यार डैमेज काफ़ी ज़्यादा है, एक्सपर्टीज लेना तो बनता है, डैमेज काफ़ी ज़्यादा है कार वो।
TLS, ठीक है चेक करता हूँ। बस यार थोड़ा सा डैमेज निकल जाए ना तो अपने को और ज़्यादा सस्ती मिल सकती है। देखो डैमेज है भैया, तुम्हारी कार डैमेज है। चलो थोड़ा सा इसने रेट तो सस्ता किया, बार्गेनिंग करके ना मैं 59,000 बोल रहा था मैं पहले। ओके सो यहाँ पे गाइज हम लोगों ने सुपरा भी बाय कर लिया है, और इसको भी हम लोग भेजते हैं फटाफट से किधर, उधर ही अपने रिपेयर सेंटर में। यार रात हो गई, ऐसे करते हैं ना, रात यहाँ पे हो चुकी है तो मैं सुपरा को वहाँ तो नहीं भेजूँगा, यहाँ पे से बैठ के हम लोग सीधा निकलते हैं अपने कंटेनर में। ओके यहाँ पे से हम लोग निकलते हैं अपना कंटेनर, बगल में ये ज़्यादा दूर है नहीं, शायद से कल सुबह ऑप्शंस भी खुलेगा एंड अपने को ऑप्शंस में जाना है क्योंकि नया अपडेट आया है, नया अपडेट में मे भी अपने को नई कार्स मिल सकती है। ठीक है इंजन ऑफ, लेट्स गो, फटाफट से सो के आता हूँ। वैसे मेरे को एक स्किल पॉइंट भी मिला है, उसको भी देखना अभी उससे क्या चीज अनलॉक होगा। चलो भाई मैंने बहुत ज़्यादा बिल्स वगैरह पे नहीं किए हैं यहाँ पे, चलते हैं सबसे पहले तो उधर। वैसे आज ऑप्शंस भी नहीं खुलेगा, कार मार्केट भी ओपन नहीं होगा, आई डोंट नो क्यों, मुझे नहीं पता। अपनी पोर्शे भाई, क्या पता यहाँ पे अपनी पोर्शे थी इसलिए कार मार्केट ओपन नहीं हुआ, अगर मैं यहाँ पर से ले जाता तो हो जाता आई थिंक। चलो भाई तो अपनी दोनों कार्स वहाँ पे जा चुकी है, अभी अपने को कार जो है ना अपनी रिपेयर करनी है। वैसे मेरे को ना उधर भी जाना है, किधर कार ऑप्शंस में, चलो सबसे पहले तो मैं अपनी सुपरा को पोर्शे को रिपेयर करेंगे। ओके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलते हैं और इस गाड़ी को नाम करते हैं हम लोग निशांत भाई का। भाई डैमेज नहीं होनी चाहिए, मैं सोच रहा था लैम्बोर्गिनी मिले बट लैम्बोर्गिनी आज तो अपने को मिला नहीं कहीं। चलो ओके यहाँ पे हम लोग लगाते हैं इसमें रेसिंग गेट, एनओसी भी लगा देते, टर्बो, नंबर प्लेट को अपग्रेड करना है अपने को। किस भाई के नाम से रखे, निशांत राज, ठीक है निशांत भाई के लिए हम लोग रखेंगे निब्रास्का वाली प्लेट में, और निशांत आएगा सिर्फ ओनली मेरे ख्याल से, है ना निशांत ही आ पाएगा, राज करेंगे ना तो नीचे आएगा, निशांत ही लिखेंगे बस। कल से अपना प्लान है हम लोग जैसी गेम स्टार्ट करेंगे ना, जितनी भी अपने पास स्पोर्ट्स कार होगी उसमें सब भाई का नाम वगैरह लिख ही देंगे। चलो हम लोग कार को अपग्रेड कर लेते हैं, ठीक है हो गया, और तो इसमें कुछ अपग्रेड करने के लिए है नहीं। एंड मैं सोच रहा हूँ इसमें जो है ना इस वाली पोर्शन में ब्लैक कलर कराऊँ। यार इसके टायर हिल क्यों रहे हैं, आई थिंक बेकार टायर है, मुझे टायर चेंज कराने पड़ेंगे, टायर देगा हिल रहे देश के पागलों की तरह। चलो कोई नहीं, टायर अभी हम लोग इसका चेंज करा देंगे बट सबसे पहले तो नंबर चेंज कराऊँ इसका, नहीं पेंट, चलो भाई पेंट चेंज कर दे ब्लैक कलर में, ठीक है पॉलिश भी करना है अपने को। इतना सही लग रहा है, ठीक है पॉलिश वगैरह तो हो गया, भाई ब्लैक कलर में काफ़ी प्यारी लग रही है। टायर देखो इसके टायर बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, मुझे नए टायर्स लगाने पड़ेंगे इसमें। चलो भाई अंकल टायर लगाओ इसमें, टेढ़े मेढ़े टायर है इसके, टायर ऐसे कर रहे हैं डांस कर रहे हैं इसमें, ये टायर बढ़िया लगेंगे $3,000। चलो तो अभी गाइस अपनी पोर्शे जो है ना लगभग पूरी की पूरी रेडी हो चुकी है, इसको भी मैं लेके चलता हूँ कार शोरूम पे अपने, बट शोरूम पे बाद में लेके जाऊँगा, सबसे पहले तो अपनी पोर्शे का जो सुपरा है ना उसको करते हैं हम लोग रिपेयर। चल भाई इधर चल जा, कर दे इसको रिपेयर, ये बहुत ज़्यादा डैमेज है, इस वाली गाड़ी को भी आई थिंक रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं ये तो ओके है। विलेज जाऊं और सारी की सारी कार्स बाय कर लूं, वैसे ये डैमेज वगैरह है नहीं तो मैं इसको हैवी भेज दूंगा लेके, इसमें कुछ भी अपग्रेड नहीं करने वाले हम लोग,
बस भाई ऑडी आरआर बहुत प्यारी लग रही है। चलो अब पोर्शे को हम लोग रखते हैं किधर, अपने शोरूम पे रखेंगे। चलो वैसे मुझे आज पैसा भी कमाना है ना, थोड़ा सा हम लोग उधर भी चलेंगे रेसिंग देखने के लिए। चलो इसको मैंने यहाँ पे पार्क किया, अभी बस अपनी जो है ना वो बची हुई सुप्रा, मैं सोच रहा हूँ एक रेस करके आऊँगा, फिर शोऊंगा, फिर जो है ना नेक्स्ट डे हम लोग मे बी उसका ट्राई करेंगे, क्या बोलते हैं ऑप्शंस का या ऑप्शंस का, क्योंकि मुझे जो है ना न्यू कार चाहिए जो कि अपडेट में आई है रिसेंटली। आज मैं सुप्रा लेके जाने वाला हूँ। डैमेज हो गई भाई, अभी तो मैंने रिपेयर कराई थी यार इसको, दोबारा डैमेज। रेसिंग किट है इसमें, ESP लगाता हूँ, TCS लगाया, मुझे नहीं पता क्या यूज़ है बट लगा दिया मैंने, ठीक है। डैमेज थोड़ी सी है, चलेगा इतना दो। तो अभी गाइज यहाँ पे हम लोग लेके जा रहे हैं इसको कलर कराने के लिए, इसमें मैं कराऊँगा वाइट कलर या फिर गोल्डन कलर करें, बताओ गोल्डन कलर करेंगे इसमें। हरा कलर करके देखिए हरा कलर किस तरीके का लगता है, वैसे नॉट बैड यार, स्पोर्ट कार में हरा कलर भी प्यारा लगता है। चलो अभी हम इसमें नाम लिखाएंगे कौन से भाई का, देखना पड़ेगा यार। चलो सयान, सयान भाई का नाम। चलो भैया इसमें हम लोग डिफॉल्ट किट तो नहीं लगाएंगे, रेसिंग किट लगी हुई है, NOC एंड टर्बो वगैरह होगा नहीं इसमें, दिक्कत हो सकता है इसमें रेस करने का थोड़ा सा। चलो नंबर प्लेट को अपग्रेड करते हैं। तो ओके गाइज यहाँ पे हम लोगों ने फाइनली नंबर प्लेट अपग्रेड किया, और अभी मेरे को करने का तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं ऐसे कहता हूँ ना रेस करने चलते हैं, थोड़ा सा रेस वगैरह करके आएंगे, बट मेरे को रेस इससे नहीं करनी है। वैसे सुप्रा लेके चले यार, टर्बो तो है इसमें। चलो तो ओके गाइज अभी हम लोग चल रहे हैं रेस करने के लिए, मज़ा आएगा। सुप्रा से आज हम लोग रेस करेंगे भाई, पैसे जीतने हैं पैसे भाई। यहाँ पे तो यार कौन कौन सी कार आ रही है पहले चेक करके आऊं। इसमें डॉज भाई रेट बैट देख रहे हो, $500 की लगा रहा है, मेरी कार देख के डर गया ये, ये बैट कितने की लगा रहा है, कार की बैट भाई दिखाना पड़ेगा। चल आ जा भाई, बैट कार की है ना, आज तो तेरी कार लेके जाएगा मैं। वैसे मुझे लग रहा है कि ये जीत ना जाए यार, मेरी सुप्रा बिक जाएगी बंदा, क्या लगता है गाइज। आराम आराम से चलेंगे, इंजन स्टार्ट, अपने को बस लाइन क्रॉस नहीं करनी है बस। 3, 2, 1 गो। पागो भाई ये तो बहुत पीछे है, मैंने बूस्ट लगा दिया भाई, मैं आऊंगा नहीं इसके हाथ में अब। इजी विन भाई, मैं गियर शिफ्ट करना भूल गया था, आपको पता है गियर शिफ्ट करना, अगर कोई तगड़ी कार होती ना मैं यहाँ पे हार जाता, बट ठीक है हम लोग एक कार जीत गए। मुझे लगता है वैसे इसका फायदा नहीं है कुछ इस कार का, कहाँ है भैया अपनी कार, ये रही इसकी डिटेल चेक करें, देखो 1985 की बग रेंजर, कौन सा है मुझे नहीं पता, कार एकदम ओके, डैमेज भी नहीं है, पेंट भी ओके है, बट डर्टी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको जो है ना मैं कराता हूँ इधर। अरे भाई तुम तो नहीं करोगे ना, तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं है भाई, $300 बोल रही है BMW सीरीज N, नहीं करना अपने को। चलो अभी गाइज हमारी कार तो देखो यार कितनी गंदी हो गई, मतलब रेगिस्तान में रेस किया ना इसलिए।
तो मैं ऐसे करता हूँ, अभी हम लोग चलते हैं सीधा अपने कंटेनर्स में, सोएंगे एंड सुबह हम लोग जो है ना उधर चलेंगे। वैसे जुआ तो नहीं खेलूँगा मैं, जुआ में बहुत पैसा हार गया यार मैं, आज नहीं खेलूँगा, मुझे समझ में नहीं आता उसमें करना क्या है, तो खेल के फ़ायदा क्या है। चलो गाइज अभी हम लोग सोते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो ओके यार यहाँ पे कार मार्केट तो ओपन हो गया, चलो ठीक है मजा आएगा अब। चलो फटाफट से कार मार्केट में चलते हैं और सुपर कार देखेंगे कौन कौन सी है, शॉर्टकट लेके चलेगा मैं। अभी मेरे पास लगभग $10,000 हैं। सुपर कार आई थिंक नहीं आई है, नहीं है, थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है यार आज, है ना मुझे लग रहा है, आई थिंक रेंडर नहीं हुआ था इसीलिए हो रहा होगा, बट यहाँ पे सुपर कार तो है ही नहीं। BMW आज यार अपना लग बढ़िया नहीं था, मतलब कोई भी सुपर कार यहाँ पे है नहीं, बस वही है BMW, ये ठीक ठाक बिक जाती है यार। अरे ये नहीं चाहिए, अभी तो मैं बैट में जीता ये कार। Audi S5 16,000 हटा। अब हम लोग अमीर लोग बन चुके हैं भाई, ये सस्ती गाड़ियां नहीं चाहिए अपने को। चलो कोई नहीं गाइस, आज तो अपना यहाँ पे कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं आई है, तो मैं एक बार ही ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा हम लोग नेबर्स चलते हैं, नेबर्स में जितनी भी खटारा कार होंगी ना वो उठा के लेके आते हैं। अभी तक मेरे को ना नेबर्स में कोई ऐसी स्पोर्ट कार नहीं मिली, देखो खटारा कार है सारी। मतलब अभी तक मेरे को कभी भी ना नेबर में स्पोर्ट कार नहीं मिली है, मैं समझा ये Lamborghini है, नहीं Lamborghini तो है नहीं, हो ट्रक्स हैं बस आज यार इधर तो काफी ज्यादा। तो यार यहाँ पे कोई ऐसी कार है नहीं जिसको मैं बाय करने का सोचूंगा। चलो निकलते हैं, थोड़ा सा जो अपने पास कार्ड्स वगैरह हैं उन्हीं को सेल आउट करेंगे। अरे यार यहाँ पे ये क्या चीज है, जंप करने का तो नहीं है। अरे डैमेज हो गई, फट गई कार मेरी, डैमेज हो गई, गलत चीज है ये। चलो यार अभी हम लोग पहुंच गए, सबसे पहले तो इसको करता हूँ मैं रिपेयर और अपनी कार वहाँ पे है। चल भाई इसको कर दे तू रिपेयर, $350 लगेंगे एंड इसको जो है ना हम लोग लेके चलते हैं सीधा अपनी शॉप में एंड सेल आउट करेंगे। मुझे नहीं पता इसका कितने में बिकेगी, फिर भी अराउंड हमें $80,000 तो मांगेगा इसका। तो ओके भाई अपना मजदूर जो है ना गाड़ी वगैरह तो लगभग साफ कर रहा है, अपनी सुपरा रिपेयर हो जाएगी फिर तो अपना काम बन जाएगा। आज तो हम लोग सब कार बेचेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में बेचेंगे। भाई डैमेज हो गई दोबारा से, हट अब मैं ना करा रिपेयर इसको। तो ओके गाइज यहाँ पे अपना ये कर्मचारी जो है वो कर लेगा, सबसे पहले तो मैं टैब निकालता हूँ, एक एक करके जितने भी कार्स अपने पास है ना वो डालेंगे हम लोग सेल में। देखो अपने पास ये रही एक जो $80,000 की खरीदी थी मैंने, तो अब ज़्यादा डबल नहीं करूँगा, $1,50,000 बहुत है। ये Porsche हम लोगों ने $1,70,000, $4,00,000 मिल जाने चाहिए इसके।
ऑडी आर आर, ऑडी आर आर का कितना प्राइस रखें? 4,20,000 डॉलर्स की खरीदी है तो अराउंड $8,00,000। मैं सोच रहा हूँ जितने भी अपन लोगों ने सब्सक्राइबर के नाम पे की कार से ना, उनको हम लोग रखेंगे एक साथ एक सामने, है ना। तो ठीक है, मैं इसको बैठ के एक तरफ कर देता हूँ सारी की सारी कार। चलो तो ओके गाइज, यहाँ पे हम लोगों ने पहली कार पार्क की जो कि अपने वाजिद भाई के नाम की थी। ये दूसरी कार किधर है अपनी? ये रिश्यान भाई की सुप्रा भाई, साफ कर दिया अपने कर्मचारी ने। चलो इसको भी हम लोग लेके चलते हैं उधर ही। बस हो गया। अभी एक कार और थी जिसमें हम लोगों ने नाम लिखा था, वो थी पोर्शे अपनी। बट यार पोर्शे को मैं चला नहीं पाऊंगा, सबसे पहले तो यहाँ पे से हटाना पड़ेगा इसको। केदार है अपनी पोर्शे, रिमूव फ्रॉम सेल, ठीक है हो गई। ओके गाइज, अब सही है ना? अब मुझे ठीक लग रहा है, मतलब अपने पास काफी ज्यादा स्पोर्ट्स कार होने लगी अब एक एक करके। चलो इंजन तो बंद किया ही नहीं मैंने तो। ओके गाइज, ये रही अपनी सब्सक्राइबर्स की कार जो कि ये रही सारी की सारी ना स्पोर्ट्स कार है। एक तो निशांत भाई, वाजिद भाई, सयान भाई, ठीक है। चलो अभी हम लोग सारी की सारी कार को लगाते हैं शेल में। पोर्शे 3,40,000, आप मुझे पता है उतना नहीं मिलेगा बट लगाने में क्या जाता है, क्या पता आ गया कोई सरफिरा कस्टमर तो दे भी देगा 7,00,000 डॉलर्स बहुत है इसके लिए। BMW 26,000 की खरीदी थी, 40,000 में बेच देगा मैं इसको। और बक रेंजर, इसका यार मेरे को नहीं पता कितने में, 80,000 में रखता हूँ। टोयोटा सुप्रा 1,00,000, तो लगभग मैंने सारी की सारी कार तो सेल में लगा दिया बट अभी तक मैंने बिल पे नहीं किया। यार मैं जाता हूँ बिल पे करके आता हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा है अपने में तो टेंशन की कोई बात नहीं है। चलो $60,000 जो है कार के ट्रांजेक्शन फीस है एंड $500 एम्प्लॉयज़ की फीस है। भाई पैसा तो हमेशा चाहिए इसको। तो कस्टमर्स आने लगे हैं धीरे धीरे अपने ऑफिस में। ये कौन सी कार? पोर्शे 2,26,000, नॉट बैड, ठीक है भाई मैं बेचेगा $2,50,000 में। ले जा और पूरा जा, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है तो अपनी पहले पोर्शे तो बिकी, अभी यहां पे देखो टोयोटा सुप्रा 93, बार्गेनिंग करके बैंक करके इसको 96 का बेचेगा मैं, 98 का, $2,000 कम करेगा आंटी में। भाई बोल रही है मुझे, अरे बिक गई बिक गई बिक गई। तो अभी यार अपनी कार्स वगैरह तो बिक चुकी है, मैं सोच रहा हूँ एक बार ही सो के आऊँ मैं और तब हम लोग देखते हैं आगे क्या करना है। वैसे कार ऑप्शंस आएगा तो ऑप्शन जो है लगभग 3 बजे स्टार्ट होगा एंड मेरा जो ऑफिस है ना यार बहुत ज़्यादा प्यारा दिखने लगा है, मतलब बड़ा हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कर दिया। जी हाँ मुझे पता है कार्स वगैरह अपने पास काफ़ी ज़्यादा कम है तो धीरे धीरे करके हम लोग कार्स वगैरह भी बाय करेंगे। और आज की वीडियो मेरे ख्याल से यहीं पे एंड करते हैं। अभी अपनी ऑडी आरआर तो नहीं बिकी, जैसे कोई कस्टमर आएगा तो हम लोग सेल आउट कर देंगे, बिग सेल है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा एंड मज़ा भी काफ़ी ज़्यादा आएगा। ओके सो पहले कस्टमर आ चुका भाई, हेलो हेलो भाई, ऑडी आरआर नहीं ले रहे, इतना पैसा नहीं है, लगता है उसके पास उतना पैसा नहीं है ऑडी आरआर खरीदने के लिए।
चलो इसको मैं ये बेच देता हूँ, BMW लेने आया है $40,000 की। भाई 24,000 नहीं 32,000, 32,000 में देगा, मैं तेरे को 32,000 में देगा, नहीं इतना में देगा, नहीं ले रहा। अरे बहुत ज़्यादा कस्टमर आ गए, तू नहीं ले रहा तो कोई और नहीं लेगा, चल भाई निकल यहाँ पे से, गेट आउट। ये कितने के बोल रहा है भाई, सब इसको लेने आ रहे हैं यार, सुप्रा लेने तो कोई आया ही नहीं। ऑडी RR, हाँ ये देखो ना यार, अब मिली ना 32,000, बिकेगी 32,000 में, चल ले जा। ऑडी RR 655,000, 680,000, तो ओके गाइस, आज हम लोगों ने अपनी सारी की सारी कार सेल आउट कर दी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताना जरूर, विलेज की सारी कार्स बाय करके उन्हें सेल आउट करेंगे, देखते हैं उनमें से अपना कितना प्रॉफिट होता है। अरे भाई चल, मतलब ये कार जो है ना $80,000 से ज्यादा की है, नहीं बेचेगा मैं, इसका प्राइस चेंज करेगा, अभी मैं चेंज करता हूँ भाई। 80,000 में लेने को तैयार था वो, ठीक है, कार फॉर सेल। अबे ओके, थोड़ा सा नेट हल्का चल रहा था। ओके आ गया, बग रेंजर 80,000 में बेच रहा था मैं, 80,000 में नहीं बेचेगा। रिमूव फ्रॉम सेल, अरे नहीं उसको तो रहने दो, 80,000 में नहीं बेचेगा मैं, 80,000 में नहीं बेचेगा। अराउंड कितने में बेचे यार, $1.5 लाख करते हैं, बाकी वो तब रेंज कम करेगा ना अपनी। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने बग रेंजर एंड मर्सिडीज को $1.5 लाख में लगाया, एंड देखते हैं कितने में बिकता है। तो चलिए गाइस, अरे यार यहाँ पे दो कस्टमर आए हैं, मैं ऑफलाइन वीडियो बंद करना चाह रहा था अभी, चलो इनको बेच के निकलते हैं ना, नहीं बेचेगा, चल निकल। मैं करी $90,000 बोल रही हो, उतने की तो मैंने खरीदी है। ये बात ना, चलो अंकल ज़्यादा नहीं, 1,15,000 में डील फाइनल करते हैं और करते हैं बंद फिर। चलो गाइज, तो फाइनली अपनी सारी की सारी कार्स बिक चुकी है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, एंड नेक्स्ट वीडियो में क्या चैलेंज करें हम लोग बताना ज़रूर। नेबर्स की सारी कार्स बाई करके लेके आएँ, या फिर ओनली स्पोर्ट कार का जुगाड़ करें कार मार्केट से या फिर ऑप्शन से, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलता हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।